हेलो दोस्तों, स्वागत है इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास एक इंडक्शन कुक टॉक है जो कि ये पूरी तरीके से शॉर्ट है। आज हम इसको रिपेयर करेंगे और कस्टमर ने बताया इसमें पानी वगैरह चल दिया है, जैसे कि इसका जो कांच है वो टूटा है तो यहीं से इस पर पानी पड़ा है। और पानी पड़ने के बाद अगर इसको पावर लगा रहा है तो उसका जो घर का MCB है वो ट्रिप हो रहा है। तो दोस्तों, इसका प्रॉब्लम क्या है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे, चेक करेंगे और बनाएंगे इस प्रॉब्लम को। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिए। तो पहले मैं इसको सबसे पहले पावर में ऑन करके दिखलाता हूँ। तो मैं इसको सीरीज सप्लाई में लगाऊंगा, डायरेक्टर तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि डायरेक्टर क्या है, इसका MCB ड्रॉप कर रहा है बोरा है जो। तो मैं इसको सीरीज में लगाता हूँ और सीरीज में लगाने के बाद देख सकते हो जो मेरा नीचे पे बल्ब लगा हुआ है वो पूरी तरीके से ग्लो हो रहा है, मतलब ये इंडक्शन कुक टॉक पूरी तरीके से शॉर्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद इस पर क्या प्रॉब्लम है इसको हम लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका नट वगैरह को खोल लिया है और मैं इसका कवर को हटाता हूँ और ये देख सकते हो ये इसका कवर, और मैं इसका कॉइल का भी जो वायर है, कनेक्शन है, जो नट लगा था उसको खोल दिया हूँ। और कस्टमर के बताते हिसाब से इसमें पानी गया है और इसकी वजह से शायद इस पर शॉर्टिंग है। तो ये देख सकते हो यहाँ पास पूरा पानी इस पर गया है और इधर तो नहीं गया है लेकिन इधर इस सेक्शन में पानी गया है और उसके वजह से ये शायद शॉर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करूँगा दोस्तों, अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं पहले इसका IGBT को चेक करेंगे। तो IGBT को चेक करने का एक सीधा सा सिंपल सी ट्रिक है। तो मैं इसका जो कॉइल का एक टर्मिनल है इसको मैं बाहर कर देता हूँ, इस तरह इसका जो कनेक्शन है उसको मैं निकाल देता हूँ। IGBT का जो कॉइल का टर्मिनल है उसका एक कनेक्शन निकाल दिया है। अब क्या करूँगा, मैं इसका जो डिस्प्ले पैनल है इसको एक बार लगाऊँगा, फिर मैं डिस्प्ले पैनल को लगाता हूँ। तो इस तरह मैं डिस्प्ले पैनल को लगा रहा हूँ। तो मैंने इसका डिस्प्ले पैनल को भी लगा दी है। अब चलो दोस्तों, इसको जो हम एक बार और सीरीज सप्लाई में चेक करके देखते हैं कि हमारा IGBT शॉर्ट था इसलिए शॉर्टिंग दिखा रहा था कि और कुछ कारण है। तो मैं इसको सीरीज में ऑन सप्लाई देता हूँ। तो ये देख सकते हो हमारा इंडक्शन कुक टॉक चालू हो गया है और इसको मैं एक बार यहाँ से पावर ऑन भी करता हूँ तो पावर ऑन भी हो रहा है, ये देख सकते हो। लेकिन मेटल सेंस करने का भी सेंसर आ गया है। इसका मतलब क्या था दोस्तों, ये इसका जो IGBT है, IGBT सेक्शन शॉर्ट है और IGBT सेक्शन इस वजह से शॉर्ट हुआ होगा, यहाँ पे पानी पड़ा है। तो क्या है, IGBT सेक्शन के तरफ से भी अगर कुछ नमी गया होगा तो फिर वो IGBT को शॉर्ट कर दिया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस हालत को इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे प्लेट को। अच्छे से खोलने के बाद हम इसका जो प्लेट है पेट्रोल या फिर थिनर से पूरे अच्छे तरीके से इसको फ्रेश करेंगे, इस हालत में नहीं लगाएंगे IGBT। अगर ऐसे ही कंडीशन में इसका IGBT और लगा दिया तो ये क्या है, चलेगा नहीं, दो चार दिन या फिर दो चार घंटा चलने के बाद उड़ सकता है। तो पहले हमको इसका जो गंदगी है उसको साफ़ करना है। रिपेयरिंग में दोस्तों साफ़ सफाई बहुत ही आवश्यक है क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर डस्ट वगैरह आता है नमी वगैरह के कारण IGBT भी ख़राब होता है और इसका ऐसे भी ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि इस पे अगर पानी पड़ेगा तो इसका जो IC का इंटरनल सर्किट है वो शॉर्ट हो सकता है। तो अब क्या करूँगा, मैं इसका जो IC है, इसका फ्लैट है, इसको खोलूँगा और साफ़ वगैरह करके आगे वीडियो आप लोगों को दिखलाऊँगा। दोस्तों, मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल नहीं दिखला सकता, लेकिन जितना बन सके अपने तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ और सिखा सकूँ। तो दोस्तों, चलो मैं इसको खोल कर एक बार साफ़ वगैरह करके आगे वीडियो आप लोगों को दिखलाता हूँ। दोस्तों, हमने इसका हीटिंग हटा कर देखा तो ये देख सकते हो कितना ज़्यादा नमी है और यहाँ पे पानी जाने की वजह से ही शायद शॉर्ट हुआ है। तो अब चलो हम लोग इसका IGBT है इसको एक बार लगा कर देखते हैं, फिर बोर्ड में फिट करके देखेंगे कि हमारा ये जो प्रॉब्लम था ये ठीक हुआ कि नहीं, बर्तन सेंस कर रहा है कि नहीं, और बाकी सब चीज़ चेक करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिए। तो मैंने इस पे IGBT वगैरह लगा के अच्छे तरीके से कस लिया है। अब चलो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका सेंसर का मैं इसका स्विच को लगाता हूँ इस तरह, और हम इसका कॉइल को ऐसे रखेंगे, अभी नट नहीं कस रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखलाने के लिए। अब इसका जो ऊपर का कवर है उसको भी लगा लेते हैं, डिस्प्ले कवर को।
तो मैं इसका डिस्प्ले कवर भी लगाता हूँ। तो मैं इस तरह इसका डिस्प्ले कवर भी लगा लिया है। अब चलो फिर हम इसको इस तरह अच्छे से रख लेते हैं ऐसे, और इसको ऑन कर, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ से हम प्लगिंग करेंगे और देखेंगे कि पहले सीरीज में लगाऊंगा मैं, तो सीरीज में लगाता हूँ। तो सीरीज में लगाने के बाद देख सकते हैं शॉर्टिंग चला गया है। अब इसको मैं मैन स्विच में लगाता हूँ यहाँ से, और इसको ऑन करता हूँ। तो मेरा मैन ऑन हो गया है, और इसको हम यहाँ से सप्लाई ऑन करते हैं। तो सप्लाई ऑन हो गया है और E0 लिखा रहा है, इसके मतलब ये बर्तन सेंस करने के लिए रेडी है। तो मैं इसके बर्तन रखता हूँ, तो ये बर्तन रख दिया हूँ, और ये बर्तन भी सेंस कर रहा है। और ये जो हमारा बर्तन है ये गर्म भी हो रहा है, पानी जो है वो हीट हो रहा है। तो मैं इसका जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाकर देखता हूँ, इसका किक शायद ख़राब है। तो ये देख सकते हो पानी उबर रहा है, और ये इंडक्शन पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।